दबंग खान के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनने में आया है कि सलमान खान अब सच में शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और यूलिया की शादी इसी साल 27 दिसंबर यानी सलमान के जन्मदिन पर होगी। सुनने में आया है कि सलमान की मां की तबीयत खराब चल रही है और उन्होंने सलमान को शादी के लिए फोर्स किया है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने कास्टिंग काउच को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। रणदीप ने हाल ही में कहा कि उनकी बड़ी बहन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसीलिए वो मुंबई भी आई थी, लेकिन कास्टिंग काउच की समस्या से उन्होंने फिल्मों में काम करने के अपने सपने को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेत्री जिया खान के मौत से जुड़े मामले की सुनवाई 7 जून को होगी। जिया खान की मां राबिया खान ने मंगलवार को कहा कि मुंबई की निचली अदालत में मामले की सुनवाई ठीक से नहीं चल रही है। उन्होंने अपने वकील जयंत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट के जरिए गांधी परिवार पर हमला बोला है। ऋषि ने ट्वीट के जरिए कहा कि सड़क से लेकर एयरपोर्ट जहां देखो वो गांधी परिवार के नाम से है। क्या इनके अलावा किसी अभिनेता या किसी खिलाड़ी का नाम नहीं रखा जा सकता? बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम लता मंगेशकर या जेआरडी टाटा के नाम पर रखो, पाप का माल समझ रखा है क्या?